चलिए दोस्तों, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स के इस क्वेश्चन में हम लोग क्या देख रहे हैं, सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, यहां पे चेक करना है हमें और दिखाना है कि पहला जो ए नंबर क्या है, 2x + 3y = 15 एंड 4x + 7y = 35 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन दैट मींस क्या होगा, उसका एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन होगा, दैट मींस x का एक वैल्यू होगा एंड y का एक वैल्यू होगा, पर यहां पे हमें चेक करना है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, कंडीशन यूज करना होगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं इक्वेशंस। फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, सबसे पहले 2x (2x + 3y) और -50, ये 15 है, जब इधर चला आएगा तो क्या आ जाएगा, -15 = 0। आप देखिए ये इसको a1x + b1y + c1 का फॉर्म हो गया, जहां पे वे a1 = 2 b1 = 3 and c1 = -15। अनदर इक्वेशन 4x + 7y = 35। 35 है, 35 को जब प्लेस चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, ये -35 लेकर इधर चला आएगा। अब क्या है, इसको a2x + b2y + c2 = 0। तो पहला तो फर्स्ट काम क्या होता है कि हमें चेक करना रहता है कि ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में है या नहीं। जब चेक कर लिए तो अब इसका कोफिशिएंट मालूम है कि जब किसी भी नंबर कांस्टेंट टर्म को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वेरिएबल का क्या हो जाता है, कोफिशिएंट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने डिनोट कर दिया है। अब जो यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन आपको बताया गया था, कंडीशन क्या बताया गया था कि इफ a1 by a2 not equal to b1 by b2। अब इसी पर हमको वैल्यू पुट करके चेक करना है कि a1 by a2 not equal to b1 by b2 है या नहीं। a1 का वैल्यू क्या है, 2, a2 क्या है, 4, not equal to b1, b1 3 है and b2 क्या है, 7। तो जब हम क्या देखते हैं, इसको सिंपलीफाई कर रहे हैं तो 1/2 not equal to 3/7, obviously 1/2 3/7 के इक्वल नहीं, पर दैट मींस ये जो कंडीशन है इसको फुलफिल कर रहा है। दैट मींस हम क्या कह सकते हैं, यस इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन। इस इक्वेशन का ये क्या हो जाएगा, ओनली वन सॉल्यूशन। चलिए, क्योंकि ये कंडीशंस को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। दूसरे इक्वेशन में क्या देख रहे हैं, 3x + 2y, 10 इधर है, जब इसको इधर लेके आएंगे तो -10 = 0, दैट इज a1x + b1y + c1 = 0। यहाँ पे वैल्यू को इंडिकेट कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, यू कैन अंडरस्टैंड विथ इजिली अंडरस्टैंड। सो वी डू नॉट कोफिशिएंट a1 b1 and c1। इन अनदर इक्वेशन 6x + 4y + -15 = 0, दैट इज a2x b2y + c2 = 0। एंड नाउ व्हाट इज द कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशंस क्या होगा। तो हम लोग पढ़े थे a1 by a2 = b1 by b2 but not equal to c1 by c2, दिस इज द फॉर्म ऑफ नो सॉल्यूशन इक्वेशन। और चलिए देखते हैं a1 3y = 2y 4 not equal to -10 by -15। चलिए देखते हैं, अब क्या देखते हैं, नाउ आफ्टर सिंपलीफाई 1/2 = 1/2, ओके, बट 2/3 इज नॉट इक्वल टू 1/2, दैट मींस ये इस कंडीशंस को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, इस कंडीशन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो इसलिए कह सकते हैं कि यस इट हैज नो सॉल्यूशन। इट हैज क्या है, नो सॉल्यूशन, बिकॉज a1 by a2 = b1 by b2 not equal to c1 by c2। एंड थर्ड x + 2y, चलिए इसको देखते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है, एज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। आपको कंडीशंस को याद रखना है, बस जब आप कंडीशन याद रखेंगे उसका क्वेश्चन
इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो जरूरी है कि आप इस कंडीशंस को याद रखें। हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन x plus 2y, हाइट जब प्लेस चेंज करेगा तो क्या होगा, अपना साइन चेंज कर लेगा और यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट मींस x 1 से मल्टीप्लाई है, a1x plus b1y plus c1 equal to 0। यहाँ पे हम इंडिकेट कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। एंड अनदर इक्वेशन 4x plus 8y plus minus 20 equal to 0, तो a2x plus b2y plus c2 equal to 0। Now put the value of coefficient in condition for infinite many solution, conditions of infinite many solution, what is the condition, क्या है, a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2। अब जो है इसका वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं, तो 1 by 4 equal to 2 by 8 equal to 5 by minus 5 by minus 20, 2 and the 2, 2 4 the 8, 5 and the 5, now 1 by 4 equal to 1 by 4 equal to 1 by 4, that means ये जो आ गया ये क्या कर रहा है, हमारे इस conditions को satisfy कर रहा है। So क्या होगा, it has infinite many solution। तो हमने तीनों देखा, तीनों conditions में देखा, और conditions को अगर हमारा coefficient या value put करेंगे और वो अगर फुल फिल कर रहा है तो इजीली हम क्या करेंगे, वहां से सिर्फ हमें कंडीशंस पता होना चाहिए, a1 by a2 not equal to b1 by b2, ये होगा ओनली वन सॉल्यूशन के लिए, a1 by a2 equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2, ये हो जाएगा सिमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन के नो सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि उस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। एंड थर्ड जो कंडीशन है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, जब क्या होगा a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2, that means क्या हो जाएगा, तो इसका क्या होगा, infinite many solution होगा। तो दोस्तों उम्मीद है समझ में आ गया होगा दोस्तों, और समझ में जब आ गया होगा तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग देखें और सभी स्टूडेंट इसका लाभ उठा सके। और एक और इंफॉर्मेशन है दोस्तों आपके लिए, जल्दी हम क्लास 9 का वीडियो शुरू कर रहे हैं, तो जो भी क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं उनको भी फायदा होने वाला है, जल्दी बहुत जल्दी वीडियो उसका आने वाला है एजुक्राफ्टर के साइट पे, यूट्यूब चैनल पे, और आपको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जुड़िए, एजुक्राफ्टर फैमिली हमेशा आपका स्वागत करता है। तो थैंक यू।